ओके स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो वी वर स्टडिंग द टेक अवे पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी नाउ. We completed this chapter yesterday. So if you have any problem regarding this chapter, you can ask me. Or else we will continue with the takeaway points. किसी को अगर कोई दिक्कत आई है चैप्टर के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम पॉइंट्स स्टार्ट करें वापस से. Students, am I audible to you? आयुषी, भूमिका, राकेश, समीक्षा, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो. किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें. ओके, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. द एम्पायर हैड अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया था. अब आगे पढ़ते हैं. द रोमन पीपल वर पॉलीथीस्ट एंड यूज्ड टू वर्शिप सेवरल गॉड एंड गॉडेसेस. देयर पॉपुलर डाइटीज वर जुपिटर, मार्स, जूनो, मिनेवरा एंड आइसिस. अब रोमन पीपल जो थे वो पॉलीथीस्ट थे. पॉलीथीस्ट जिनकी वो काफी सारे भगवानों और देव देवी उनकी पूजा करते थे और उनके मंदिर भी बनाए हुए थे. उन्होंने काफी सारी पॉपुलर डाइटीज रही हैं जो इनकी उनके नाम दिए हैं, जुपिटर, मार्स, जूनो, मिनेवरा और आइसिस. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर वाज मिथराइज्म. जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेक्ट रहा है रोमन एम्पायर का वो है मिथराइज्म. द अदर पॉपुलर सेक्ट जुडाइज्म वॉज वर्शिप्ड बाय जिहोवा. दूसरा पॉपुलर सेक्ट रहा है जुडाइज्म, जो वर्शिप किया जाता था जिहोवा के द्वारा. जुडाइज्म कंसिडर जिहोवा एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. जुडाइज्म जो थे वो लोग इस चीज को मानते थे, उनका मानना ये था कि जिहोवा जो है वही यूनिवर्स का क्रिएटर है. स्लेवरी वॉज अ ट्रेडिशन इन द मेडिटेरेनियन एंड इन द नियर ईस्ट एज वॉरफेयर बिकेम लेस वाइड स्प्रेड. अब स्लेवरी जो है वो एक ट्रेडिशन की तरह देखा जाता था मेडिटेरेनियन सी के एरिया में और जो नॉर्थ ईस्ट नियर ईस्ट जो उसका एरिया था वहां पर, जहां पर लड़ाइयां जो हैं वो अब थोड़ी कम हो गई थी. विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द फर्स्ट सेंचुरी द सप्लाई ऑफ स्लेव्स टेंडेड टू डिक्लाइन एंड द यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर हैड टू टर्न आइदर टू स्लेव ब्रीडिंग. अब यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी के अंदर शांति काफी ज्यादा बहाल हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी, इसीलिए वहां पर जो सप्लाई थी स्लेव्स की वो कम हो गई, उसमें गिरावट आ गई. गुलामों की जो ये सप्लाई किया करते थे उसमें गिरावट आ गई, जो इस्तेमाल करते थे स्लेव लेबर का उसमें गिरावट आ गई, और बल्कि उनको चेंज करके स्लेव ब्रीडिंग में हो गया, यानी कि उनका भरण पोषण और पालना वगैरह उनको और वेजेस देना वो उस चीज में ज्यादा चेंजेस आ गए थे. द पोजिशन ऑफ द स्लेव इन द रोमन एम्पायर वॉज वेरी मिजरेबल. जो पोजिशन थी रोमन एम्पायर की, सॉरी स्लेव के स्लेव जो गुलाम हुआ करते थे रोमन एम्पायर की, उनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल थी. दे वर फोर्स्ड टू वर्क ऑन द एस्टेट फॉर 10 to 18 hours अ डे. उनको जबरदस्ती काम लिया जाता था स्टेट पर, 10 से 18 घंटे तक उनको काम करना पड़ता था, वो भी रोज. द लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी वॉज एक्सट्रीमली वेल्दी बट नॉट मोर पावरफुल देन द मिलिट्री लीडर्स हु केम ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड्स. लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी जो थी, जो एलीट क्लास थी, वो काफी ज्यादा पैसे वाली थी, लेकिन वो ज्यादा पावरफुल नहीं थी मिलिट्री लीडर्स के कंपैरेटिवली, और मिलिट्री लीडर्स जो है वो नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आए हुए थे. द मिडिल क्लास वॉज मेड ऑफ अ लार्ज मास ऑफ पर्सन्स कनेक्टेड विद द ग्रैंड सर्विस इन द ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल्सो विद द प्रॉस्परस मर्चेंट्स एंड फार्मर्स इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस. मिडिल क्लास बहुत ज्यादा अमाउंट में था, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में था, और ये अधिकतर लोग जो थे ये जो इनको अच्छी पोजिशन मिली हुई थी, सर्विसेज मिली हुई थी, यानी ये ब्यूरोक्रेट्स थे और प्रॉस्परस मर्चेंट्स थे, फार्मर्स थे, इन सबके कनेक्शन जो है इस तरह की सर्विसेज थे. अभी तक
आपको चार पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं, चार से पांच पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं, उनमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी, यानी कि रोमन एरिस्टोक्रेसी एज इन की एलीट क्लास, जो बहुत रिच लोग होते हैं, वहां पर उनका जो लेट सेंचुरी का टाइम पीरियड की बात की गई है, उसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर काफी ज्यादा वेल्दी लोग थे, एक्सट्रीम लेवल पे पैसे वाले थे, लेकिन पावरफुल नहीं थे। पास जो थी वो सारी मिलिट्री लीडर्स के पास में थी, और ये मिलिट्री लीडर्स कैसी फैमिली से आए हुए थे, नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आए हुए थे, यानी कि ये रोमन एरिस्टोक्रेसी वाली फैमिलीज को बिलोंग नहीं करते थे। अब मिडिल क्लास के बारे में बताया गया है कि लार्ज नंबर में मिडिल क्लास वहां पे प्रेजेंट था, जो कैसी सर्विसेज करते थे, कैसी नौकरियां करते थे, या तो वो ब्यूरोक्रेट्स थे, मिनिस्टर्स थे, या मर्चेंट्स थे, या फार्मर्स थे ईस्टर्न एरिया के अंदर। तो मिडिल क्लास जो था, बोला उसको मिडिल क्लास जा रहा है, लेकिन उनकी सर्विसेज जो थी उनको काफी ग्रैंड थी, अच्छी सर्विसेज से उनका कनेक्शन था। अब समझ आया? यस मैम। ओके ओके। Then the monetary system of the empire broke with the silver-based currencies of the first three centuries. Monetary system लाया गया था यहाँ पे, इससे empire के अंदर silver-based currency जो है वो पहली तीन centuries में चली है। The late Roman bureaucracy, both the higher and middle Aeolians, was a comparatively affluent group because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this in buying up assets like land. Monetary system जो था empire का, उसमें हमने पढ़ा कि पहली तीन century के अंदर ये silver based currency ले आए थे, बाद में जो late Roman bureaucracy थी उसके अंदर अच्छी amount में जो higher और middle Aeolians थे, उन लोगों ने क्या करा, वो एक अलग उस पे गए, यानी वहां पर सैलरी जो है उनको गोल्ड में दी जाने लगी थी, जो वहां के रहने वाले लोग थे जो काम कर रहे थे, सर्विसेज कर रहे थे, ठीक है, उनको सैलरी जो है वो गोल्ड में देने दी जाने लगी, गोल्ड की सिल्वर की बजाय गोल्ड में देने लगे, तो वो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करने लगे और जमीनें खरीदने लगे, ठीक है, और वो ज्यादा कंपैरेटिवली जो पहले से ही एफ्लुएंट फैमिलीज थी उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे थे, उनसे ज्यादा उन्होंने असेट्स इकट्ठे कर लिए थे। लार्ज एक्सपेंशन ऑफ रोमन टेरिटरी वाज इन अ लेस एडवांस्ड स्टेट। अब ये जो लार्ज एक्सपेंशन था रोमन टेरिटरी का, वो थोड़ी लेस एडवांस्ड स्टेट में था, यानी रोमन टेरिटरी फैल तो रही थी लेकिन इतने अच्छे उस पर नहीं फैल रही थी। यस राहुल शर्मा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. Then switch off your audio. Yes, ma'am. Transhumance was spread in the countryside of the Numidia. अब यहाँ पे बताया गया है transhumance जो है वो फैला है Numidia के अंदर। These pastoral and semi-nomadic communities were often on the move, carrying their oven-shaped huts called mapelia. अब ये जो pastoral थे, semi-nomadic communities के लोग थे, अपने जानवरों के साथ में एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे, और अपने साथ में ये क्या कैरी करते थे, oven-shaped करके जो huts होती हैं, वो अपने साथ में लेके घूमते थे, mapelia जिनको बोला जाता था। As Roman estates expanded in North Africa, the pastures of those communities were hugely reduced and their movements were more tightly regulated. अब Roman estate जैसे जैसे North Africa के अंदर expand हो रही थी, ये pasture communities जो इनको move करना पड़ रहा था, इनकी मात्रा कम हो रही थी और ये बहुत ही कम move कर पा रहे थे। Even in Spain, the north was much less developed and inhabited largely by Celtic speaking peasantry that lived in hilltop villages called Castilla. अब स्पेन की कंडीशन बताइए, स्पेन के नॉर्थ की कंडीशन बताइए कि वो एरिया कम डेवलप्ड था और वहां पे रहने वाले लोग जो थे वो सेल्टिक भाषा बोला करते थे, पीजेंट ग्रुप के लोग थे वो, और वो पहाड़ों के ऊपर रहा करते थे विलेजेस में, जिसको बोला जाता था कास्टेला। इन दोनों ही पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay, the Emperor Constantine decided to make Christianity the official religion in the 4th century, and the Emperor Diocletian
284 to 305 fortified the frontiers, recognized provincial boundaries, and separated civilian from military functions, granting greater autonomy to the military commanders. अब एम्परर जो था कॉन्टेस्टेंट, उन्होंने डिसाइड करा कि क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाएंगे 4th सेंचुरी के अंदर, और फिर जो बाद के एम्परर आए उन्होंने क्या करा, फ्रंटियर्स को फोर्टिफाइड यानी किलेबंदी कराई, और उन्होंने प्रोविंशियल बाउंड्रीज को अलग कराया, सिविलियन जो थे उनको अलग कराया मिलिट्री फंक्शन से, और मिलिट्री कमांडर्स जो थे उनको अच्छे लेवल पे ऑटोनॉमी, उनको पावर दी जिससे वो चीजों को कंट्रोल करें. द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन हैड बीन पॉलिथिस्ट. ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर देखा जाए क्लासिकल वर्ल्ड का, तो वो ग्रीक और रोमन उसके हिसाब से देखें तो वो पॉलिथिस्ट थे, यानी कि वो काफी सारे देवी देवताओं को मानते थे. विसिगॉथ्स इन स्पेन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अरब्स between 711 to 720. Visigoth जो था स्पेन के अंदर उसको बर्बाद किया था अरब्स ने 711 से 720 के बीच में. That of the Franks in Gaul, और फिर फ्रैंक्स ने जो ये चीज की है वो 511 से 1687 के अंदर करी है गॉल के अंदर. And that of Lombards in Italy, Lombards in Italy के अंदर करी है. These kingdoms foreshadowed the beginning of a different kind of world that is usually called medieval. अब ये तीनों ही किंगडम्स के अंदर जो अरब्स ने आकर के ये चीजें करी थी, इसमें ये माना जा रहा था कि अब एक नए समय की शुरुआत हो रही है, नए एरा जिसको बोला जाता है मेडिवल. रोमन एंड ससैनियन एम्पायर्स हैड फॉलन टू अरब्स इन अ सीरीज ऑफ स्टनिंग कन्फ्रंटेशंस. रोमन और ससैनियन एम्पायर्स जो है वो भी अरब्स के हाथों में आती गई. दोज कॉन्क्वेस्ट एक्सटेंडेड अप टू स्पेन. ये कॉन्क्वेस्ट थे यानी ये जो चीजें चल रही थी इनकी कब्जा करने की, ये स्पेन सिंध सेंट्रल एशिया तक गई. बिगिन इन फैक्ट विद द subjection of Arab tribe by emerging the Islamic state. और ये माना जा रहा था कि अब Islamic state के तौर पे ये सारी जगह जो है establish हो जाएंगी, क्योंकि ये सब कौन invade कर रहे थे, Arabs कर रहे थे. इसलिए अभी तक किसी भी point में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. ओके, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कैलिफेट, इस्लामिक स्टेट लेड बाय अ सुप्रीम रिलीजन. कैलिफेट एक इस्लामिक स्टेट थी जो एक सुप्रीम रिलीजन के द्वारा चलाई जा रही थी, विच वाज इस्लाम. एनल्स रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, हर साल का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, इसे एनुअल्स बोलते हैं हम. पेपरियस एक रीड लाइक प्लांट होता है जो उगाया जाता है, उगाया जाता था नाइल नदी के किनारे, जिसको जिसमें से बाद में पेपर बनाया जाता था. मेडिटेरेनियन एक सी है जो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को. एरिस्टोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट जिसके हाथ में पास होती है, स्मॉल ग्रुप होता है, एक रूलिंग ग्रुप होता है, उसी के हाथ में ये पार होती है. और हु आर बॉर्न इन अ हाईएस्ट सोशल क्लास, और जो जिन्होंने जन्म लिया होता है हाईएस्ट सोशल क्लास के अंदर, जैसे कि बेसिकली जो रूलर लोग होते हैं, रूलिंग क्लास होती है, इंपीरियल क्लास होती है, वही एरिस्टोक्रेट्स कहलाते हैं. कंस्क्रिप्शन कंपल्सरी एनलिस्टमेंट ऑफ पीपल इन सम सॉर्ट ऑफ नेशनल सर्विसेज. यहाँ पे कंपल्सरी एनलिस्टमेंट होता है यानी लोगों को जब कंपल्सरी अपॉइंट किया जाता है नेशनल सर्विसेज के अंदर. यूफ्रेट्स सबसे लंबी और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्टर्न एशिया की. डिनेरियस एक स्मॉल सिल्वर कॉइन है जो सबसे पहले बनाया गया था 211 BC के अंदर. बारबेरियंस वो व्यक्ति जिसको बोला जाता है कि ये अनसिविलाइज्ड है, इस टर्म को आप यूज कर सकते हो, बारबेरिक नेचर के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. ठीक है, रामिक लैंग्वेज है, एक लार्ज ग्रुप बोला करता था नॉर्थ ईस्ट के अंदर. कॉप्टिक वही लैंग्वेज है जो बोली जाती है इजिप्ट के अंदर. प्यूनिक लैंग्वेज जो बोली जाती थी नॉर्थ अफ्रीका में. बर्बर बोली जाती थी नॉर्थ अफ्रीका के अंदर. सेल्टिक बोली जाती है स्पेन और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है स्पेन का वहां पे. रिजल 20 एक कंटेनर होता था जिसके अंदर स्पेनिश ऑलिव ऑयल लाया जाता था. एम्फोरे लार्ज स्टोरेज कंटेनर होते थे जिनकी कैपेसिटी 1/2 से 2.5 टन्स होती थी. ड्रेकोनियन सीवियरिटी काफी सीवियर, एक डेविलिश चीज के लिए ड्रेकोनियन बोला जाता है. ये एक राजा था जो बहुत ही क्रूअल था. फ्रैंकिंसेंस एक एरोमेटिक रिजन होता है जो निकाला जाता है जेनिस बॉसवेलिया के पेड़ों में से. एकोलियन एक रैंक और पोजीशन होती है, एक अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो डेजिग्नेशन होता है उसके लिए बोला जाता है. अभी तक किसी भी पॉइंट में दिक्कत आई है, टर्म में दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. Okay, then we have in
intelligent Shia, a social class of people engaged in complex mental labor, aim to spread culture and are interested in politics and literature, etc. एक social class होता है लोगों का, ठीक है, जहाँ पर वो complex mental labor, यानी कि दिमागी कसरत काफी ज्यादा करते हैं, मतलब दिमागी skills जो हैं वो use करते हैं, काफी मेहनत करते हैं फैलाने के लिए culture को, और वो interested होता है politics, literature और इसी तरह की चीजों के अंदर. Authoritarian believes that people should obey his authority and rules even if he is wrong. एक authoritarian क्या होता है? एक ऐसा अधिकारी जो विश्वास करता है, मानता है कि सारे लोगों को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके order का पालन करना चाहिए, भले ही वो गलत क्यों ना हो. Antiquity, कोई भी period जो middle age से पहले का हो, जैसे 476 to 1453, या ancient past. Archaeological study of cultures of past and the periods of history by examining the remains of buildings and objects. Archaeological, पता ही आपको कि पुराने past की study होती है, जो बची कुछ चीजें मिली है, buildings और objects, उनकी study की जाती है. Polytheist, the worship of or belief in many gods, कई सारे भगवानों को मानना. Principate, first period जो है Roman Empire का, 27 BCE से 284 CE. So here completes your takeaway points and important terms of this chapter. So ये chapter हमारा complete हो गया है. Question answers जो है नीचे ही दे रखे हैं इसके, ठीक है, और ये upload कर दिया जाएगा. किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं. So I suppose किसी को कोई दिक्कत नहीं है. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. Have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy.